नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। उत्तराखंड प्रदेश में स्टाफ नर्स पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का लेकर के इंतजार अब समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों को 1,564 पदों पर भर्ती की थी, जिसके बाद 12 सितंबर 2023 को बोर्ड ने 1,376 पदों का परिणाम घोषित कर अंतिम चयन की सूची विभाग को भेजी है। वहीं विभाग की तरफ से चयनित अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। इसके साथ ही शासन ने इनमें से उन 8 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र फिलहाल रोक दिए हैं जिनके दस्तावेज को लेकर शिकायतें आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए, माफ कीजिएगा, अनुज जुड़ चुके हैं, अनुज अवस्थी। तो अनुज, देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, फिलहाल पूरी जानकारी एक बार विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नर्सिंग की जितनी 200 अधिकार पर्सन थी उनको नियुक्ति पत्र दिया, साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि 8 लोगों के खिलाफ मामला आया हुआ था, उनके दस्तावेज सही नहीं थे जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी, उनको फिलहाल तौर पर रोक दिया गया है। उसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है, लेकिन जो 200 नर्सिंग के जो अधिकारी थे उनको, स्टाफ नर्स को, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, सांसद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली समेत तमाम जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य सचिव की अगर बात करें तो वो भी वहां पे मौजूद थे। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा अच्छा पल है, क्योंकि नर्सिंग अधिक जो नियुक्तियां हुई हैं उनको प्रशस्ति पत्र देकर के मुख्यमंत्री ने एक नई मिसाल कायम की है, क्योंकि यहाँ के युवा हैं उनको किस प्रकार से रोजगार मिल सके, जो यहाँ की हमारी महिलाएं हैं, जो यहाँ की हमारी लड़कियां हैं उत्तराखंड की, उनको किस प्रकार से रोजगार मिल सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी अच्छी पहल मानी जा रही है, जो कि आज इन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिया, प्रशस्ति पत्र दिया, तो एक स्वास्थ्य विभाग में एक नई तेजी आ सके, क्योंकि पहाड़ के जो स्वास्थ्य के जो केंद्र है उस पे उनमें इन लोगों की नियुक्ति की जाए, जिससे वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके। जी ठीक है, देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है, तो इस पहल से क्या कुछ फायदा उत्तराखंड वासियों को होगा और स्वास्थ्य विभाग के में कितना फायदा? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और सबसे खास बात, मुख्यमंत्री आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला बाल विकास की तरफ से उनको आगे बढ़ाने के लिए, नर्सिंग में प्रशिक्षण देने के लिए उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया गया। अब इन्हीं को ही जो पहाड़ के सुदूरदर्शी जो इलाके हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ और सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विशाल पद यात्रा, युवा पद यात्रा, जिसमें जितनी संख्या इसके अंदर है इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग इस मैदान के बाहर हैं। इस विशाल पद यात्रा में हम सबके मध्य हमारी पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और पूरे देश के अंदर युवा नौजवानों के बीच में लगातार जोश और ऊर्जा का संचार करने वाले और लोकसभा के अंदर भी लगातार जन सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले ऐसे हमारे युवा एवं प्रखर नेता, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, जिन्होंने आज की रैली में अपना
संपूर्ण योगदान इसमें दिया है, नेहा जी के साथ, भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी युवा नेत्री बहन नेहा जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योति गैरोला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेसी सिंह जी और बत्सल जी, रोहन जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, कुलदीप कुमार जी, विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी एवं मंचा सिंह हमारे तेजस्वी मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम युवा मोर्चा में थे तब से आज तक ही युवा मोर्चा में ही है, भाई तेजेंद्र पाल बग्गा जी और इस विशाल महापद यात्रा में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर कहा। उन्होंने बताया कि गीता के जो सार है और उपदेश है, उसकी प्रेरणा यदि बच्चों को बचपन से मिले तो उनके जीवन में आदर्श और अच्छा बदलाव आएगा। आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है, समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था गीता के, क्योंकि जो सार है गीता के उपदेश हैं वो समाज जीवन में यदि बचपन में है बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है, इसलिए मैं स्कूलों में उसको। खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल के हरिद्वार आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य अध्यात्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हम आज विश्व कल्याण के साथ भयमुक्त कामना की कल्पना करते हैं। सृष्टि का कल्याण केवल सनातन में है, ज्ञान भाषण से आचरण नहीं आता है, अगर एक शब्द का भी आचरण कर लिया जाए तो दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। भगवान श्री राम इसीलिए पुरुषोत्तम नहीं कहलाए, इसके लिए उन्होंने मर्यादा का पालन किया है। कहा कि अगर हम अपना जीवन बदले तो दुनिया में बदलाव आएगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। मैंने अच्छा किया है तो उसका फल निकलने वाला जरूर है, लेकिन वो मेरे ही सामने निकले आवश्यक नहीं। डॉक्टर हेडगेवार के सामने आज का फल नहीं निकला था, भाग्य है, भगवान की योजना है। ऐसा जानकर जो काम करते हैं वो बिना थके काम करते हैं, बिना थके ये काम करना है, उसकी योग्यता पाने के लिए गीता में ही त्रिविध तप बताए हैं, उसका वर्णन मैं नहीं करता, समय कम है। शारीर तप, वांग्मय तप और मानस तप, वो हम सबको अपने जीवन में करना पड़ेगा, छोटे बड़े सबको करना पड़ेगा, तभी हम उसके पात्र हो सकेंगे। तो देखिए मोहन भागवत समेत कई हस्तियां आज शामिल हुई है और इस दौरान विश्व कल्याण के साथ भयमुक्त की कल्पना की गई है। 3 दिवसीय दिव्य अध्यात्म महोत्सव का आयोजन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए
विश्व कल्याण के साथ भय मुक्त की कामना की और कई बड़ी हस्तियां आज कार्यक्रम में शामिल हुई। पूरी जानकारी क्या? तो संजय से संपर्क नहीं हो पाए, एक बार फिर संजय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अध्यात्म महोत्सव की, जब मोहन भागवत ने शिरकत की थी और मोहन भागवत समेत कई हस्तियां इस महोत्सव में शामिल हुई थी, विश्व कल्याण के साथ भयमुक्त की कामना की। 3 दिवसीय दिव्याध्यात्म महोत्सव का आयोजन। और संजय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कई हस्तियां शामिल हुई है, आज मोहन भागवत की तरफ से भी कई अहम बातों का जिक्र किया गया। अध्यात्म महोत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें स्वयं सर संचालक मोहन भागवत समेत कई हस्तियां यहां पर शामिल हुई है। हालांकि दरअसल आपको महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी, उन्हें अपनी पीठ पे विराजमान हुए पूरे 25 वर्ष हो गए हैं, जिसको देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही है। हालांकि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, आने वाले 3 दिनों तक हरिद्वार में VVIP मूवमेंट रहने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो स्वयं सर संचालक मोहन भागवत है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कह सकते हैं सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। तो हरिद्वार जिला प्रशासन में तमाम पुलिस बल है यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों तक भी यहाँ तमाम इंतजाम किए जाएंगे। जी ठीक है संजय, देखिए 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, आगे जो दिन है उनमें क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरीके से खास बनाया जाएगा इस पूरे आयोजन को? देखिए लगातार आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, धर्म सभा यहाँ आज लगने जा रही है। इस कार्यक्रम में जिस तरह आज बड़ी हस्तियां शामिल हुई है, कल और परसों में भी लगातार जो देश की बड़ी हस्तियां हैं यानी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिनके दौरे को लेकर हरिद्वार प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम यहाँ लगी हुई है। हालांकि कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं, क्योंकि आपके याद होगा जब इस तरह के VVIP मूवमेंट होते हैं तो स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो कार्यक्रम है उसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई है, यहाँ तमाम जो आसपास के बड़े संत है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ठीक है संजय, देखिए कई VVIP मूवमेंट होने वाली है, तो ऐसे में सुरक्षा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने जानकारी दी कि कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कौन कौन से वो रूट है और क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के वहाँ पर किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती कितनी? हाँ देखिए 23, 24 और 25 इन VVIP मूवमेंट को लेकर उत्तराखंड पुलिस से पहले ही अलर्ट है, खुद DGP ने यहाँ का निरीक्षण किया था, क्योंकि जिस राज कल यहाँ पे उपराष्ट्रपति पहुंचे थे उनके दौरे को लेकर भी जो खुफिया एजेंसी है सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम तैनात की गई थी। और जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके याद होगा जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं स्थानीय लोगों को बेहद परेशानी हो जाती है, जिसको देखते हुए तमाम यहाँ जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, यानी रानीपुर मोड़ और ज्वालापुर बाजार के लिए भी अलग से रूट बनाया गया है। इसके अलावा जो ऋषिकेश और देहरादून से आने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए भी तमाम अन्य रूट डाइवर्ट किए गए हैं और अलग से पार्किंग बनाई गई है, जाम की स्थिति न रहे इसको देखते हुए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां मोदी है ना के नारे के साथ BJP विशाल युवा यात्रा निकाले। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने देहरादून के पेवेलियन चौक से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला तक यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई मंत्री और युवा नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार की गारंटी और योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी दी। 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और महिलाओं के लिए मजबूत कानून समेत प्रदेश में नकल माफिया कानून, धर्मांतरण कानून और UCC कानून पर सरकार के कड़े फैसलों को प्रदेश की जनता के समक्ष रखा। तो वहीं पर रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने आगाज कर दिया है, महिला युवा बुजुर्ग और बच्चों के समर्थन से साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में
पांचों सीटें बीजेपी जीतने वाली है। उन्होंने अपने मन की बात कह दी है कि 2024 में क्या होने वाला है। वो सकल भी नहीं देखना चाहते थे, वो सारे के सारे गठबंधन कर रहे हैं। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते तो फिर वो संघर्ष समिति का सारा लेते हैं। इन सालों के अवसर में यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का मजदूर, सारा भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसका प्रथम स्वरूप आज हमने दिखाया है। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते तो फिर वो संघर्ष समिति का सहारा लेते हैं। इन सालों के अवसर में यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का मजदूर, सारा भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसका प्रथम स्वरूप आज हमने दिखाया है। उत्तराखंड के दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, जहां सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के संबंध में भी बातचीत की। मुलाकात के बाद पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने प्रतिक्रिया भी दी और उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड में जो हमारे सिख भाई बहन रह रहे हैं, उन्हें दो मुख्य परेशानियां आ रही थी, जिसके संबंध में हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम ने बहुत ध्यान से हमारी समस्याएं सुनी। दो मुख्य इश्यूज हैं जो सिख कम्युनिटी को और हमारे जो सिख भाई बहन उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको आ रही थी, उसके संबंध में हम मिले थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो सिख धर्म का है, वो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब, जिसकी लैंड की आइडेंटिफिकेशन और वहाँ गुरु घर बनाने की, जहाँ गुरु नानक साहब आए थे, ये काफ़ी देर से ये इशू चल रहा है। वो इशू लेकर आज हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से मिले। उन्होंने बड़े विस्तार से ये बात सुनी और अश्योर किया कि हम जल्दी ही SGPC की एक डेलीगेशन को यहाँ इन्वाइट करेंगे, जो वो साइट सिलेक्शन कर लें और उसके और हम उसको अलॉट कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलोर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपनी ताल ठोक दी है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र की तरफ से कहा गया है कि मंगलोर में दो ही परिवार आज तक राजनीति करते आए हैं, जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर अब राष्ट्रीय लोक दल मंगलोर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसान मजदूर के साथ सभी वर्ग को साथ मिल रहा है, सभी वर्गों का साथ भी मिल रहा है। देखिए मंगलोर, पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य है विधायक जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको ऊपर वाला शांति प्रदान करे। और आज उपचुनाव आया है, उपचुनाव में सभी पार्टियाँ आएंगी, सभी अपना वजूद दिखाएंगी। हम भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर, अगर जनता जो आज तृप्त है, क्योंकि यहाँ का जो मंगलोर की राजनीति है उस कुछ दो परिवारों में बटकर रह गई है विकास की। रुड़की में बिरान क्लियर में तेज रफ्तार खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक के मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा भी किया। हंगामे को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस SP देहात, CO और SDM भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। और चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।